लागू किया जाता है। और रही बात जैसे हमारे ऊपर वाले हिमाचल के हिमाचल उनका प्रजनन काल जो है वो नवंबर से लेकर फरवरी मंथ तक चलता है, तो वहाँ पर जो वर्जित काल है वो उन महीनों में लगाया जाता है। जबकि लोअर हिमाचल में जिन जलाशयों में मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है या जो नदियाँ हैं या नदियों की सहायक नदियाँ हैं या तालाब हैं जो भी हैं जिनमें इनमें हमारा वर्जित काल अभी 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक रखा गया हुआ है। जी ये तो बात हुई कि मतलब जो जलाशय है वहाँ पर कैसे कैसे वर्जित काल लागू किया जाता है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है किस तरह से। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि पहले कुछ और महीने हुआ करते थे जिस जिन महीनों को वर्जित काल के रूप में लिया जाता था और अब ये आगे शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो बरसात के साथ क्या इसका संबंध है और बरसात में क्यों वर्जित काल लागू किया जाता है? बरसात के कारण इसमें ऐसा रहता है कि जो हमारे इंडियन रेलवे पार्क है हमारा मुख्य उद्देश्य विभाग का इसमें ये रहता है कि जो हमारी भारतीय प्रजातियाँ हैं मछलियों की जिनमें इंडियन मेजर कार्प्स रोहू कतला मृगल आती हैं मुख्यतः इनके प्रजनन को लेकर ध्यान दिया जाता है। इनका जितना ज्यादा प्रजनन होगा उतना ही लंबे समय में हमारे मछुआरे भाई बहनों को फायदा होगा, उतना ही जलाशयों का उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही मछली उत्पादन में वृद्धि होगी, विभाग को राजस्व प्राप्त होगा, हमारे मछुआरे भाई बहनों को वित्तीय सहायता होगी और एक वित्तीय तौर से वो अपने खुद को सक्षम बना पाएंगे ताकि अपने जीवन स्तर को उठा सकें। बरसात के समय का इसके साथ ऐसा है कि जो जो इन मछलियों को प्रजनन करने के लिए परिस्थितियां चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो इनको बरसात के समय